सिस्टमेटिकली अपन स्टार्ट करें एम्प्लॉयमेंट के साथ। तो सर व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना? तो एम्प्लॉयमेंट या व्हाट इज अनएम्प्लॉयड या व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना? तो अगर अपन बात करें ऑल थिंग्स या ऑल लीगल थिंग्स इंडिविजुअल कैन डू टू अर्न अ लिविंग, अगर अपन बात करें टू अर्न अ लिविंग बाय सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी, बाय सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट। सर एम्प्लॉयमेंट का अर्थात क्या? तो हर वो काम जो आप और मैं करते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने घर बार को चलाने के लिए, वो क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना? अब सर इसी से एक नई बात आती है कि व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट या व्हाट इज अ वर्कर या टाइप्स ऑफ क्या वर्कर। तो सर लोग क्यों काम चाहते हैं? तो इसका अगर अपन जवाब चाहें कि सर व्हाई डू पीपल वर्क, तो सर पहला रीजन भी यह है कि टू अर्न अ लिविंग, सीधी बात है कि कुछ पैसा कमा मिल जाए तो इसलिए अपन काम करते हैं। सेकंड फॉर रिस्पेक्ट, फॉर व्हाट? रिस्पेक्ट एंड दैट इज व्हाट? सेल्फ रिस्पेक्ट। तो पीपल वर्क टू अर्न अ सेल्फ रिस्पेक्ट। आपके पापा के पास बहुत पैसा है, करोड़ों खरबों रुपए हैं, तो फिर तो आपको काम करने की जरूरत नहीं, फिर आप क्यों काम करें? टू अर्न अ सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है ना? तो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप काम करते हो। कहीं ना कहीं अगर नेशनल लेवल पे बात करो तो आप काम करते हो इसीलिए कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्या होता है? GDP। तो इसीलिए मतलब लॉजिकली बैठे बैठे क्या करो, काम तो हमेशा किसी को चाहिए, तो कॉन्ट्रीब्यूशन टू व्हाट? GDP। इसीलिए आप काम करते हो, ठीक है? अगर अपन बात करें कि अब व्हाट इज, अगर मैं बात करूं कि वर्कर्स और कितने टाइप्स के वर्कर होते हैं, इस पे अपन वर्क करेंगे। तो सर ये तो रीजंस हो गए व्हाई डू पीपल वर्क, ठीक है ना? अब अगर मैं आपसे बात करूं तो पहला क्लासिफिकेशन आपके पास ये है, अगर अपन बात करूं तो क्लासिफिकेशन एक आपके पास होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, और एक आपके पास होते हैं हायर्ड वर्कर्स। अब इसे इन दोनों का डिफरेंस क्या है? आज अगर मैं पहली बात करूं तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर क्या करेगा? ऑल दोज पीपल हु आर वर्किंग इन देयर ओन बिजनेस। जैसे आज मैं हूं, तो सर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने खुद को खुद ही एम्प्लॉय कर लिया, खुद की कोचिंग, तो इन देयर ओन बिजनेस। कोई कटिंग वाला है, वो किसी और के काम तो ना कर रहा, वो उसने खुद की कटिंग की शॉप खोल ली, वो तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। तो एक तो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, एक होते हैं हायर्ड वर्कर्स। सर हायर्ड वर्कर्स के बारे में अगर अपन बात करें तो हायर वर्कर्स आर दोस हु रिसीव पेड वेजेस, हु रिसीव पेड वेजेस और सैलरी एज अ रिवॉर्ड for their services rendered to others। तो सर सीधी बात है, अगर मेरे पास मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई काम कर रहा है तो सर वो कौन सा वर्कर होगा? सर आप खुद तो सेल्फ एम्प्लॉयड, वो क्या हो जाएगा? हायर्ड। वो यहां से सैलरी ड्राइव करेगा, तो वो भी वो सैलरी, जो भी वो काम कर रहा है, रेंडर टू अदर्स, ठीक है ना? रेंडर टू व्हाट? अदर्स। तो ये भी ठीक है, मैंने बोला हाँ, मतलब ऐसा कोई चिंता की बात तो नहीं है। नाउ दिस इज हायर्ड वर्कर्स, ठीक है ना? सर हायर्ड वर्कर्स में दो प्रकार के वर्कर होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक इसमें रहता है कैजुअल वर्कर। सर कैजुअल वर्कर मतलब जिसको आपने कभी कभी बुला लिया, चल अभी कुछ महीने के लिए आ गया, काम कर लिया। और एक होता है रेगुलर वर्कर, ठीक है ना? तो हायर्ड वर्कर में दो प्रकार के वर्कर्स होते हैं, एक होता है कैजुअल वर्कर और एक क्या होता है? रेगुलर वर्कर। तो कैजुअल वर्कर का मतलब क्या है?
कैजुअल वर्कर के हिसाब से मतलब वो लोग जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, काम करने आ गए, उस दिन की सैलरी ले ली। जैसे अगर हम किसी कॉलेज में पार्ट टाइम या एक लेक्चर के लिए जाते हैं तो हम क्या हो गए, कैजुअल वर्कर्स। हम वहाँ के परमानेंट वर्कर्स नहीं है। हमको बोला हमने इतना लेक्चर लिया, हमको पैसे दो और हम जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सर अगर मैं बात करूं, ये डेली वेजेस या पार्ट टाइम या बोलते ना एक पर्टिकुलर वर्क के लिए आते हैं, पर्टिकुलर वर्क के लिए। जैसे अगर मेरे को अपनी कोचिंग में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाना है और मैंने किसी फैकल्टी को बुलाया सर आप आके सब्जेक्ट पढ़ा के जाओ, तो क्या वो हमेशा मेरी कोचिंग पे रह रहे हैं क्या? नहीं, तो क्या होगा, कैजुअल वर्क, सीधी बात, ठीक है ना। एक मेरे यहाँ पे परमानेंट वर्कर, अगर मैं बात करूँ परमानेंट वर्कर, वो जो कंपनी के पेरोल पे होते हैं। ध्यान रखना पेरोल बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पेरोल मतलब कंपनी की सैलरी शीट पे होते हैं, उनको हर मंथ सैलरी दी जाती है और वो ऑफिशियल वर्कर्स होते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं ऑफिशियल वर्कर्स होते हैं और इन सारे वर्कर्स को इनडायरेक्टली अगर मानोगे तो ये एम्प्लॉई बेनिफिट्स, हर सोशल एम्प्लॉई बेनिफिट्स का अधिकार इनको होता है। सर इस पे एक पूरा एक्ट बना हुआ है क्या? अगर कोई भी रेगुलर वर्कर है आपके यहाँ तो आपको उसको उसकी सैलरी के साथ उसको HRA देना पड़ेगा। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, माना वो सैलरी में सब इंक्लूडेड ही होता है जिसमें आप बात करते हो। आपको उनको प्रॉपर कन्वेंस अलाउंस देना पड़ेगा कि वो आते जाते हैं तो उसका ही पैसा, गेटिंग इट। बहुत बार आपको उनका एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड देना पड़ेगा। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या कि उनकी जॉब के बाद उनका क्या होगा, तो उसके लिए एक फंड बनाते हैं। तो ये सब चीजें रेगुलर वर्कर्स के लिए होती है। रेगुलर में भी कौन से वर्कर्स हो, अगर आप बात करें आगे आप क्लासिफिकेशन और भी समझोगे कि एक होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स और एक होते हैं फॉर्मल वर्कर्स। एक फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप के वर्कर्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। अभी कुछ चीजें अगर अपन समझे तो कुछ और कंसेप्ट समझाना भी जरूरी है। तो सर कैसे समझा जाए, तो सबसे पहले चीज समझो, व्हाट इज लेबर सप्लाई, व्हाट इज लेबर सप्लाई। अगर अपन बात करें तो सर व्हाट इज लेबर सप्लाई, अभी नेशनल लेवल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इनका काम आपको बहुत अच्छे से आने वाला है। तो लेबर सप्लाई रिफर्स टू those workers who are willing to offer their services at a particular wage rate, ठीक है। तो what is labor force, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको दूसरी चीज समझनी पड़ेगी, लेबर फोर्स क्या है। तो सर अगर अपन लेबर सप्लाई तो ये है कि जो लोग काम करना चाहते हैं। लेबर फोर्स का मतलब होता है people who are actually working or willing to work। सर यहाँ पे एक पार्ट है, यहाँ पे एक वर्ड नहीं आया कि वेज रेट की बात ही नहीं होती, यहाँ पे वेज रेट की बात नहीं होती, तो यहाँ पे कुछ भी वेज रेट के बारे में नहीं आया। तो सर ज्यादा बड़ी टर्म क्या होगी, अगर मैं बात करूं लेबर फोर्स की लेबर सप्लाई, तो अगर मैं बात करूं तो दिस इज अ बिगर कंसेप्ट, आप समझाओ ना बड़ा अच्छे से, तो मैं आपको अच्छे समझाता हूँ इसके बारे में। एक बार अगर अपन सिस्टमेटिक देखें तो हम किस तरफ चल गए, सब हम लोग समझ चुके हैं। तो सर आप अच्छे से समझाओगे तो हम लोग आगे समझते हैं इस प्रकार से कि चले, तो इधर अपन समझते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या आता है, लेबर फोर्स, एक सर्कल है कि बीच में कितने लोग काम करना चाहते हैं। तो सर ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसको आप बोल सकते हो दिस इज लेबर
फोर्स, लेबर फोर्स, ठीक है ना। इसका मतलब इनसे पूछा गया देश में कितने लोग काम करना चाहते हैं, तो देश के 40 करोड़ लोगों ने अपना हाथ ऊंचा कर लिया कि हमको काम करना है, टुन्नू मुन्नू टिन्नू इन सबको काम करना है, ठीक है। तो सबने हाथ ऊंचा कर लिया, हाँ मेरे को भी काम करना है, मेरे को भी काम करना है, तुम्हारी मम्मी ने भी हाथ ऊंचा कर दिया, सबने हाथ ऊंचा कर दिया, तुमने भी हाथ ऊंचा कर दिया, अभी 12वीं पास करी नहीं कि तुमको काम करना है, ठीक है, अच्छी बात है। अभी यहाँ पे आया वेज रेट कि भाई किस किस को अगर बोलूं तो 10,000 रुपए महीने की सैलरी पे काम, किस किस को 20,000 रुपए महीने की सैलरी पे काम। अब इसमें लोग कम हो जाएंगे क्योंकि किसी किसी को 10 और 20 हजार पे काम ही नहीं करना, किसी किसी को लाखों पे काम करना है। कोई बोलेगा किस किस को लाख रुपए महीने की सैलरी पे काम करना, मेरे को नहीं करना लाख रुपए, उससे ऊपर चाहिए, गेटिंग इट। तो यहाँ पे अगर बात करूं तो ये आता है आपका क्या, लेबर सप्लाई, जहां आप वर्ड यूज कर रहे हो इकोनॉमिक का सप्लाई, सप्लाई इज रिलेटेड टू व्हाट, प्राइस, कि कितने लोगों को काम करना है इस पर्टिकुलर वेज रेट, इस पर्टिकुलर वेज रेट। तो मुझे बताओ 40 करोड़ लोगों ने बोला हम काम करना चाहते हैं, लेकिन जब किसी पूछा गया 10,000 पे कितने लोग काम करना चाहते हैं या 20,000 पे कितने लोग काम करना चाहते हैं, तो क्या सबके हाथ ऊंचे हो जाएंगे, कुछ के हाथ ऊंचे, कुछ के हाथ ऊंचे होंगे, दिस इज लेबर सप्लाई, ठीक है। अभी इनमें से कितनों को जॉब मिल जाएगा, तो अगर अपन बात करें जिनको जॉब मिल जाएगा वो इसके अंदर आ जाएंगे और उनको अपना नाम देंगे, अगर बात करें तो वर्क फोर्स को क्या नाम देंगे, वर्क फोर्स। एक पार्ट ऑफ लोग थे अगर मैं बात करूं जिनको काम करने की इच्छा थी वो थे लेबर फोर्स, जिनको एक पर्टिकुलर प्राइस 10,000 रुपए पे कंपनी आई या 20,000 रुपए कंपनी आई, तो बहुत सारे लोग मतलब यहाँ से करीबन 200 लोग चले गए किस चीज के लिए कि हाँ हमको जॉब चाहिए, हमको जॉब चाहिए, हाँ कि ना, क्या सबको लग गई क्या? सर उस 200 में से समझो 150 को लग गई, तो जो 50 हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड, 50 हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड। तो सर कहीं ना कहीं कोई मुझसे पूछे कि याला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है वो किसका हिस्सा है, अनएम्प्लॉयमेंट इसका हिस्सा है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो सर आपने ये बात तो अच्छी समझाना शुरू करी, मैंने बोला हाँ देख लो कि अगर तुमको समझ में आ रहा है तो। तो सर कोई मुझसे ये जितने डॉट्स हैं वो सब डॉट्स किस चीज के हैं, कहीं ना कहीं अगर मैं यू लिख दूं यहाँ पे तो यू का मतलब है अनएम्प्लॉयड, यू का मतलब क्या है, अनएम्प्लॉयड, ठीक है, अगर लिखना हो तो ये अनएम्प्लॉयड, ठीक है, बाकी डॉट्स का मतलब समझ लो कि अनएम्प्लॉयड। अब अगर कोई पूछे कि प्रैक्टिकल डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो अब लिख दो अनएम्प्लॉयमेंट इज नथिंग। मेरे पास दो चीजें हैं अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करने की, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो मेरे पास पहली अगर फॉर्मूला डेफिनेशन देखो अनएम्प्लॉयमेंट की क्या डेफिनेशन मिल गई सर, अगर मैं बात करूं तो लेबर फोर्स, लेबर फोर्स माइनस वॉट, वर्क फोर्स, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स इज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जितने लोग काम करना चाहते थे माइनस जितने लोग काम मिल गया, बाकी बच्चे कनेक्ट ले, ठीक है ना। सर दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट की अगर आपको एक रेगुलर डेफिनेशन चाहिए, इट रिफर्स टू ऑल दोज पीपल हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क। ये कुछ वर्ड है ना बड़े काम के, एबल एंड विलिंग। अब तुम बोलोगे किसी काम करने की इच्छा ही नहीं, उसको जॉब नहीं लग रहा, उसकी इच्छा ही नहीं, तो क्या के लिए अनएम्प्लॉयड, गेटिंग इट। अगर 8th class का बच्चा है उसको आप अनएम्प्लॉयड बोलोगे क्या? सर 8th class के बच्चे को काम नहीं लग रहा तो क्या उसको अनएम्प्लॉयड बोलोगे? नहीं सर, उसकी काम करने की इच्छा ही नहीं। तो अभी कोई अपने बाप के पैसे बैठे रहते उनके कैश करता था तो उसको जॉब नहीं लग रहा है तो कहेगा अनएम्प्लॉयड, उसको इच्छा ही नहीं काम करने की तो क्या करता। तो इट रिफर्स टू ऑल दोज पीपल हु आर एबल एंड willing to work, able and willing to work, but doesn't get the work. This process is known as what? Unemployment. तो इसी के साथ कहीं ना कहीं एक चीज और समझ में आनी चाहिए country wise, जिससे बहुत सारे इनपुट्स आप इस चैप्टर के आगे समझना चाहेंगे और पढ़ोगे अगर आप समझोगे तो इस चीज को। सर इसको अपन देखें तो नेक्स्ट चीज क्या समझ में आनी चाहिए,
अगर मैं आपसे बोलूं तो आपको नेक्स्ट वीक ये समझ में आनी चाहिए, अगर अपन एक सेकंड, अब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए सर, अगर अपन बात करें तो आपको नेक्स्ट चीज ये समझ में आनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिसिपेशन रेट। ये देश के लेवल पे ये चीज समझना जरूरी है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिसिपेशन रेट। सर अगर हम आपसे पार्टिसिपेशन रेट के बारे में बोले तो इसका फॉर्मूला क्या है कि आपके देश के कितने लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं देश के जीडीपी के, दैट रिफर्स टू वर्क फोर्स अपॉन में कितना टोटल पॉपुलेशन, वर्क फोर्स अपॉन में कितना टोटल पॉपुलेशन। सर ये कहीं ना कहीं बहुत काम आएगा ध्यान, तो दिस इज नोन एज पार्टिसिपेशन रेट। अब सर पार्टिसिपेशन रेट का पहले तो प्रैक्टिकल मतलब समझो, अगर इंडिया में मान लो 150 करोड़ लोग, 150 करोड़ की पॉपुलेशन, इसमें से सिर्फ अगर बोलें कि लेट्स से 50 करोड़ लोग ही काम कर रहे हैं, बाकी लोग काम नहीं कर रहे, कुछ भी काम चाहे वो खुद का धंधा चला रहे हैं या किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो सर इंटू 100 करेंगे तो ये मंजा, ये 33.33% इज द पार्टिसिपेशन। मतलब यार अपने देश में ना काम करने वाले लोग जो एक्चुअली काम करते हैं, मैंने बोला काम करने के जो एक्चुअली काम करते हैं वो कितने हैं, 33.33%, जो कि यूएस और यूके से काफी कम है। जो यूएस यूके की इकोनॉमी होती है यहाँ पे पार्टिसिपेशन रेट 70% 75%। सर अपने यहाँ पार्टिसिपेशन रेट क्यों कम है, पहली बात तो अभी इन कुछ सालों से हमने इस बात पे काम किया कि वुमेन्स भी काम करेंगे, वो भी मैं अगर प्रैक्टिकली बताऊं आज भी ऐसी मैक्सिमम फैमिलीज हैं, अपनी मम्मियों को देख लो कि इनकी मम्मियां काम कर रही हैं। अगर मैं बोलूं तो मैक्सिमम आपके यहाँ पे ये आता है कि वुमेन को एम्प्लॉयमेंट की जरूरत ही क्या है, तो वो क्यों काम करे, वो बस शादी कर ले और काम हो जाए। यहाँ पे जो आपकी आधी पॉपुलेशन है वो यहाँ पे आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, फर्स्ट। सेकेंड हमारे यहाँ क्या है ना, हम काम बड़ी उम्र तक करते हैं बट हमारे यहाँ पे रिटायरमेंट एज होती है, चल यार इसके बाद नहीं कमा या इसके बाद काम मिलता नहीं है। अब यूएस यूके में क्या होगा, आप 60 इयर्स के और 65 इयर्स के भी और आप कुछ काम करना चाहते हो तो आपको जेन्युइन वर्क मिल जाता है बिकॉज ऑफ द गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड गुड टेक्निक। तो वहां पे क्या होता है, 60-65 साल वाले के पास पैसे के लिए काम नहीं करता, उसको काम मिल जाता है वहां पे, लोगों की कमी है तो उसको वहां पे वो लोग भी काम करते हैं। थर्ड जो भी एज है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ में प्रॉब्लम की बात क्या है, ये जो गलत बात है कि हमारे यहाँ बोलते हैं बच्चे बेटे तू चिंता मत कर, तू 12th तक पढ़, मतलब तू 17-18 साल अपने बाप के टुकड़ों पे पढ़, फिर तू काम करना शुरू कर, के पैसे से आईफोन खरीद, उसके पैसे से लड़कियों घुमा और फिर तू काम करना शुरू कर। यूएस यूके में ऐसा नहीं, वहां पे आपको 10th क्लास के बाद, इवन 9th क्लास के बाद बोलते हैं कि यू आर सफिशिएंट इनफ टू अर्न योर ओन मनी, तो वहां पे 12-15 साल के बाद से ही बच्चे को बोलते हैं यू कैन अर्न, उसको जॉब मिल भी जाता है, वेरी फ्रेंक उसको वहां पे जॉब मिल भी जाता है और वो कमाना शुरू कर देता है। हमारे यहाँ 18 साल तो छोड़ो, आप में से बहुत सारे बच्चों तो अपने कॉलेज की फाइनेंसियलशिप भी पापा से लेते हैं, चलो पापा आप ही भर दो कॉलेज की फीस, आप ही का तो पुत्र, वहां पे कभी ऐसा होते ही। तो इसी कारण से क्या है, हमारा इंसान, हमारा इंडिया का बंदा 20-21 साल में सोचता है कमाऊं क्या, और वहां पे बच्चा 15 साल से कमा रहा है, इसलिए वहां का पार्टिसिपेशन रेट अच्छा है, इसलिए वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, इसलिए वहां पे इनकम लोगों की अच्छी होती है, क्योंकि लोग अर्ली एज से कमाना शुरू करते हैं और फिर अर्ली एज से एक्सपेंड करना भी शुरू करते हैं, डिमांड भी अच्छी होती है। ये हमारे यहाँ की प्रॉब्लम, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद अभी से अर्न करना शुरू करो, मतलब लॉजिक इस कि आप कॉलेज के बाद कभी कभी तो कुछ कुछ ऐसे डीड भी होते हैं तो बोलते हैं एमबीए भी आप ही करा दो, तो 23 साल तक बस पापा फीस भरते जा रहे हैं, हम करते जा रहे हैं और फिर हम सोचते हैं हम बोर हो रहे हैं बिकॉज आप काम नहीं कर रहे, आपको किसी कैफे या पब में बैठने का इसलिए टाइम है क्योंकि तुम्हारे पास काम नहीं, काम हो तो वहां पर भी आपको टाइम लगेगा पहुंचने, ठीक है ना, क्योंकि आप नहायती वेल्ले हो इसलिए आप घूम सकते हैं, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप कमा के घूम रहे हो पता लग जाए तो इंडिया का पार्टिसिपेशन रेट कम है, कुछ बच्चों को चुभी होगी कुछ बातें बट ठीक है। अगर तो पार्टिसिपेशन रेट रिफर्स टू, अगर मैं लेके चलूँ, रिफर्स टू प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, पार्टिसिपेशन रेट रिफर्स टू प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हु इज एक्चुअली इन वर्क for the nation, in work for
डेफिनेशन, ठीक है। तो आप समझिएगा, इंडिया का पार्टिसिपेशन रेट काफी लो है, अगर इस बात को ध्यान रखें, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो इंडिया में जो आपके पास फैक्ट्स गिवन है वो 50 करोड़ भी नहीं, एग्जैक्ट फैक्ट्स कुछ अपन फैक्ट पॉइंट ले लेते हैं। तो अगर सिस्टमैटिक फैक्ट पॉइंट लें अपन, तो सर पहली बात तो एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन बुक, इंडिया की वर्क फोर्स 47.3 करोड़, मतलब मैंने तो 50 करोड़ लिख दी थी लेकिन 47.3 करोड़ है। अभी डाटा कब का ही आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसमें दूसरी बात ध्यान रखना, ये आपके इंडिया का है वर्क फोर्स, ठीक है ना। इसमें से दूसरा जो इनपुट मैं आपको बता चुका हूँ फैक्ट्स को कम्युनिकेट करते करते, तो सर दूसरा इनपुट आपके पास है कि 70% ऑफ द वर्क फोर्स इज मेल, मतलब 70% ऑफ द वर्क फोर्स इज मेल एंड द रिमेनिंग 30% इज व्हाट फीमेल। ये बात भी जानने की होगी कि आपके यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग काम कर रहे हैं उसमें से मेल ज्यादा है और फीमेल क्या है कम, ठीक है। ये अगेन एक और इनपुट लेके आता है कि हमारे यहाँ पे जेंडर बायस है। एक दूसरा ये बात का भी इनपुट लेके आता है कि इफ अ वुमेन लिविंग इन इंडिया अवॉन्ट देयर राइट्स तो दे शुड वर्क फॉर द सेम। तो जब जब वुमेन को आप जॉब दे पा रहे हो तो या उनको जॉब मिल पा रहा है तो उनकी फ्रीडम ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, रीजन बीइंग दे आर अर्निंग देयर ओन लिविंग, सो दे डोंट नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड और एनीवन एल्स टू गेट देयर लिविंग, गेटिंग इट। थर्ड है, अगर मैं बात करूं कि 75% ऑफ द वर्क फोर्स, ये और गलत बात है कि जिसको देख के आपको आश्चर्य होगा, 75% ऑफ योर वर्क फोर्स इज फाउंड इन रूरल एरियाज। तो 75% गांव के लोग काम कर रहे हैं, मतलब शहर के लोग ज्यादा मट्ठे हैं। सर क्या बात कर रहे हैं, बोला हाँ, क्योंकि देख गांव में भी तुम आगे पढ़ोगे, गांव में सबकी काम है, गांव में बच्चा स्कूल नहीं जा रहा कि नहीं कितने मैं स्कूल जाऊंगा कभी कमाऊंगा, बचपन से कमा रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि फीमेल वर्क फोर्स, अगर मैं बोलूं बहुत सीधी बात करूं तो फीमेल वर्क फोर्स का भी जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है, जो लड़कियां काम करती है, उनका आपको आश्चर्य होगा कि वो ओवरऑल देखें तो 25% इज फ्रॉम द रूरल एरिया, 25% आउट ऑफ 30%, ध्यान रखना। तो रूरल एरिया से जो फीमेल वर्क फोर्स है उसका 25% कॉन्ट्रीब्यूशन है, और अर्बन एरिया से वही की वही 20% कॉन्ट्रीब्यूशन। सर ये सब कहाँ काम आने वाला है, कभी ऑब्जेक्टिव आ जाए। अब यहां से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कि जो मैक्सिमम वर्क फोर्स है पर्टिकुलरली इंडिया की, वो रूरल बेस्ड, वो क्या है, रूरल बेस्ड। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है why is the bulk, पहला तो क्वेश्चन ये है कि why is bulk of our population is rural based, तो why bulk of our population is rural based, ये पहला क्वेश्चन आता है जिसका अगर अपने को आंसर समझना हो तो अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम जीडीपी क्या रूरल पॉपुलेशन से आता है, तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता। कि पहली बात तो रूरल एरिया में सबसे पहली बात, पहला पॉइंट है, देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन लिव करती है, तो इसका मतलब है लोग रहते ही वहां पे, तो फिर काम वहीं पे करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि सिस्टमेटिक समझे तो रूरल इकोनॉमी के बारे में बात करें, तो इंडिया का देश की जो पॉपुलेशन उसका 65% ऑफ द एरिया कहाँ पे, रूरल, तो लोग रहते ही ज्यादा गांव में है, काम वहीं पे करेंगे, पहला बात तो ये। सेकंड, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो इन रूरल एरियाज वेज रेट एंड जॉब रेट आर क्वाइट लो। अब इससे क्या हुआ, therefore every member of their family is attached to every member of their family is attached to
sum of farming or non-farming jobs. To earn a living and meet family expenditure. And meet what? Family expenditure. सर बात तो आपने सही बोली. तो वहां पे अगर अपन बात करें अच्छे से और आराम से तो हम किस तरफ जा रहे हैं. तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया सर. ठीक है, अगर अपन आगे की बात करें तो अब अगला क्वेश्चन ये भी आता है जो कि बोर्ड्स में पूछ सकते हैं. सर हमको लगा था कि गांव की कन्या सुकन्या काम नहीं करती हो और शहर की कन्या पढ़ी लिखी हैं तो वही बोलती होंगी व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन. लेकिन ऐसा नहीं होता. गांव की जो सुकन्या होती है वो बचपन से सीख जाती है कि बॉयज मे बी हैविंग द फन बट वी हैव टू वर्क टू अर्न अ लिविंग. क्योंकि वहां पे जो मेल मेंबर्स हैं उनकी इनकम इतनी जस्टिफाइड नहीं होती कि वो फैमिली का खर्चा उठा पाए. तो कहीं ना कहीं अगर सर अपन बात करें तो अपन इसका रीजन भी समझ रहे हैं. और सर क्या होता है कि जो शहर के लोग हैं, उसका रीजन लिखवा रहा हूँ आपको, वहां पे whether the woman will go for work or not, this decision is taken by the family, not by the girl itself. तो बहुत बार ये डिसीजन किसका होता है? फैमिली का होता है. और बहुत बार फैमिली इस चीज को मना कर देती है बिकॉज ठीक है if a male member is earning sufficient, why should girl go out and will earn for the family. तो अगला क्वेश्चन जो आपके पास आता है why percentage of female workers, why percentage of female workers is high in rural areas, why percentage of female workers is high in rural areas. चलो तो पहला तो भी ये है कि female education कहां पे इन रूरल एरियाज इज अ फार क्राय. मतलब वहां पे लड़की को बोलते पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है. अब अगर वो पढ़ेगी नहीं तो क्या करेगी? शहर की लड़की पढ़ती है तो बोलती है अभी जॉब कैसे करूं, मैं तो पढ़ रही हूं. तो यहां पे क्या हो जाता है, ये लो पेड जॉब्स में खुद को एंगेज कर लेती है. ठीक है ना, लो पेड जॉब्स में खुद को एंगेज कर लेती है फ्रॉम द चाइल्डहुड ऑन. आप चेक कीजिए, आप गांव में जाओगे तो अगर आप खुद की एज की सिमिलर किसी गर्ल से बोलोगे तो बोलेगी मैं भी इसके यहाँ काम करती हूँ, मैं या तो खेत में जा करती हूँ, कुछ विनोइंग करते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ भी फार्मिंग नॉन फार्मिंग एक्टिविटी. सेकंड, इन अर्बन एरियाज फीमेल वर्क या फीमेल जॉब इज डिसाइडेड बाय द फैमिली डिसीजन. Family decision. और अगर मैं बात करूं कि कहीं ना कहीं ये family decision maximum time क्या रहता है, नौकरी का जरूरत. In rural areas, female work is the need, not the option. Is the need. Not the option. ठीक है क्या? अगर अपन बात करें, नेहा नीचे है क्या? नीचे कौन है बाहर? ऊपर से मिन्नी को बुला के लाना. चले, is the need not the option. ठीक है ना. अभी सर अगर अपन बात करें तो not the option मतलब ये कहीं ना कहीं आपको rural poverty पे की तरफ इंडिकेट कर. थर्ड, अगर मैं बोलूं अर्बन वुमेन, अर्बन वर्ड यूज कर रहा हूं, अर्बन एजुकेटेड वुमेन डोंट हैव मच जॉब अपॉर्चुनिटी
owing to their high salary demand. अभी देखो यार, बहुत मजा आएगा इस बात को सुन के आपको और अच्छा भी लगेगा. Whereas all rural women get employed get themselves employed in low paid jobs. पर ये बात अच्छी, मैंने बोला हाँ बात तो खैर अच्छी है. ये बात समझने की है कि शहर की लड़की को जॉब कम मिलेगा, गांव की लड़की को जॉब ज्यादा मिलेगा. क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लड़की हाई सैलरी पे जॉब करना चाहती है, वो महीने के 4-5 हजार पे काम नहीं कर पाती, वो बोलिए मेरे को 50 हजार रुपए मिलना चाहिए, इवन मोर देन दैट. और यहाँ पे क्योंकि वो अनएजुकेटेड होती है, इसलिए उनको जॉब का अच्छा जॉब मिलता नहीं, वो अपने आप को लो लेवल पे एम्प्लॉय कर लेती. सर ठीक है, मतलब ये बात भी सही है. मैंने बोला हाँ प्रैक्टिकली भी कहीं ना कहीं यही बात होती है. एक चार्ट को अगर आप समझ लो तो अच्छा रहेगा. सर कैसा चार्ट? अगर मैं बात करूं तो आपको दिया हुआ है, अगर अपन इस चार्ट को थोड़ा सा ढंग से देख लें तो सर आपको यहां पे अगर बात करूं तो मेल, देन फीमेल, देन रूरल, अर्बन, कि जितना अभी तक अपन ने पढ़ा है ना उन सबका निष्कर्ष. सर कितना परसेंट? 51.17% ऑफ द रूरल मैन वर्क करते हैं, और यहाँ पे 53% एवरेज, टोटल नहीं है यहाँ पे एवरेज, तो एवरेज 52% ऑफ द मेल वर्क करते हैं. ठीक है, अगर फीमेल की बात करो तो रूरल में 17.5% ऑफ द वुमेन वर्क करती है और 14.2% ऑफ द अर्बन. मतलब देखो कि रूरल में जो वुमेन काम करती हैं वो ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एवरेज आएगा 16.5%. और सर इन दोनों का एवरेज लोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके देश की अप्रोक्स, मतलब यहाँ पे भी अपन एवरेज लेके टोटल करें कि रूरल से कितना एम्प्लॉयमेंट लगता है, तो वो कहीं ना कहीं 35%, और यहाँ पे अगर एवरेज निकालेंगे तो 33.9%. तो सर टोटल आपके देश में 34.7% जनता काम करती है, जो कि अपन निकाल चुके हैं ऊपर कि देश की पॉपुलेशन में पार्टिसिपेशन रेट कितना है, 34.7, विच इज वेरी लो. और सर कहीं ना कहीं ये एक चीज की तरफ हमको लेके जा रहा है आप, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. और वो पहला प्रॉब्लम है क्यों हमारे यहाँ पे परेशानी होती है, क्यों हम अपनी इच्छाओं को मार के रखते हैं, क्योंकि उसका एक पहला रीजन है हाई डिपेंडेंसी रेशियो. हमारे यहाँ क्या है ना, इंडिया में मैंने आपको पहले इसको डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ पे हाई डिपेंडेंसी रेशियो, मतलब अगर मैं बोलूँ कि इंडिया का पार्टिसिपेशन रेट 33.33%, तो लॉजिक क्या कि 1% की इनकम पे कितने लोग डिपेंडेंट है? 3. मतलब मैं कमाऊंगा तो मेरी इनकम पे 3 लोग डिपेंडेंट, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा या मेरे माँ बाप, व्हाटएवर. तो हाई डिपेंडेंसी रेशियो मतलब कमाने वाला एक है और खाने वाले कितने? 3. तो इस कारण से कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ नहीं पाता. सर यूएस में क्या होता है, यूएस में बहुत प्यारा डिपेंडेंसी रेशियो होता, होता ही नहीं नॉर्मली. तो वैसे पति भी कमा रही है, पति भी कमा रहा है और पत्नी भी कमा रही है, और गलती से उन्होंने एक से ऊपर बच्चा पैदा करते नहीं, तो उससे संभाल नहीं पाते, एटलीस्ट एक शादी से अगर अपन बात करें तो. ठीक है, अब ये दोनों कमाते हैं, इसको भी कब तक पालते हैं? 14-15 साल, मतलब तू भी कमा चल. तो उनको इतना फर्क ही नहीं पड़ता कि हमको इसकी कोई हायर एजुकेशन पे खर्च करना है या किसी और चीज पे खर्च करना है. यहाँ पे 14-15 साल का अगर यूपी यूएस का बच्चा होगा, गर्ल और बॉय, वो खुद का अर्न अ लिविंग करना शुरू कर देंगे, तो वो पेरेंट्स पे उनकी डिपेंडेंसी क्या होती है, कम हो जाए. अगर मैं बात करूं कि सेकंड हमारे पास प्रॉब्लम क्या है जिस कारण से हमें से मैक्सिमम लोग इंडिया के बाहर जाते हैं, अगर कहीं ना कहीं हमारे पास वैसे तो पार्टिसिपेशन रेट भी लो है, अगर मैं बात करूँ
low rate of participation. With, अगर मैं बात करूं क्यों इंडिया लेवल पे बात कर रहा हूं, with low level of productivity. यार एक बात बता, एक तो अपने लोग काम कम करते हैं, चलो अगर ज्यादा लोग काम भी करें तो अपने पास पर कैपिटा इनकम क्या चल रही है इंडिया, अगर आप पर कैपिटा इनकम अभी भी इंडिया की निकाल के देखो तो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट समथिंग अराउंड 35,000 या 40,000 चल रही है. मतलब एवरेज इंडिया में आपको 35,000 रुपए पर मंथ मिलेगा, और इफ कंपेयर्ड टू यूएस इट इज अप्रोक्स 2.5 लाख रुपीज पर कैपिटा. तो सर हमारे यहाँ पे क्या है ना, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, मतलब दिन भर काम कर रहा हूँ बट मुझे एट द एंड रिजल्ट क्या मिल रहा है, यूएस यूके में वो काम कम देर कर रहे हैं बट एंड रिजल्ट क्या मिल रहा है, अच्छा. अगर मैं बात करूं हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन रूरल एरिया, इन व्हाट रूरल